आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनु शर्मा, मैथमेटिक्स रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्या ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से आप समझते क्या हो, मतलब ब्लड का रिलेशन, खून का रिश्ता। जहां जहां आपका ब्लड होगा वहां वहां आपका संबंध कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैं किस किस के रिलेशन बन सकते हैं, एक तो मेरे पिताजी से रिलेशन बन सकते हैं और एक मेरे माताजी से रिलेशन बन सकते हैं। भाई इसी से रिलेशन बन सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि एक पिता का खून होता है मेरे अंदर और एक माता का खून होता है। जो जो माता की श्रेणी में, मतलब माता की पीढ़ी में जो जो रिलेशन होगा वो मां का रिलेशन होगा, मतलब मैटरल होगा, मातृ का होगा, और पिता का होगा पैटर्न होगा। जैसे सपोज दैट भाई मैं दादा बोलता हूं ना, मतलब मेरे पापा के जो पापा होते हैं मैं दादा बोलता हूं, लेकिन मेरे मम्मी के जो पापा होते हैं, मतलब उनके फादर होते हैं, उनको मैं क्या बोलता हूं, नाना बोलता हूं। तो इस तरीका से कहने का मतलब जो मां का रिलेशन होगा वो मैटरल की तरफ चलेगा और पिता का पैटर्नल की तरफ चलेगा। बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन के साथ समझाऊंगा। आज के बाद कोई भी आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वायदा है दोस्तों। केवल एक एक चीज डेरिवेशन के साथ समझनी है और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चलना है। ध्यान देना दोस्तों, कुछ पहले इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन है वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं बेसिक बताऊंगा, फिर एक उसके बाद फिर क्या लूंगा दोस्तों, मैं क्वेश्चंस लूंगा। क्या करूंगा फिर मैं, क्वेश्चंस लूंगा। ध्यान देना भाई, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधु कहते हैं। वाइफ ऑफ सन इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ। जो मेरी पुत्र की जो पत्नी होती है वाइफ को पुत्र वधु तो कहता हूं। बात क्लियर है तक मेरे भाइयों? अब ध्यान देना, पुत्री के पति को दामाद कहते हैं। हस्बैंड ऑफ डॉटर इज कॉल्ड सन इन लॉ। जो पुत्री के जो पति होते हैं, जो मेरे पुत्री जो होती है, मतलब मेरी बेटी होती है, और जो उसका पति होता है उसको मैं दामाद कहता हूं। ब्लड रिलेशन इंग्लिश में सरल होता है क्योंकि आंट और अंकल एक दो शब्द ऐसे हैं कि जो इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, मतलब बहुत कुछ सभी रिलेशन को निकाल देता है, लेकिन हिंदी में आपको सब कुछ अलग अलग बताना पड़ता है। देखो ध्यान देना, सिस्टर ऑफ हस्बैंड इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। पति के बहन को ननद कहते हैं। क्या बोलते भाई? नंद कहते हैं। अब ध्यान देना, सिस्टर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। पति की बहन को क्या कहते हैं भाई? जो पत्नी की जो बहन होती है उसको साली कहते हैं या नहीं कहते? सन ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड नेफ्यू। भाई के बेटे को भतीजा कहते हैं। डॉटर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड नीस। भाई की बेटी को भतीजी होती है। सन और डॉटर ऑफ अंकल और आंट कजन। बहन का बेटा या बेटी भांजा या भांजी होती है। हस्बैंड ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। बहन के पति को जीजा या बहनोई कहते हैं। वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर इन कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। बड़े भाई की पत्नी भाभी होती है। सन ऑफ पैटरनल ग्रैंडफादर या मदर फादर या अंकल। दादा दादी के पुत्र पिता या चाचा होते हैं मेरे भाइयों। डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर या मदर आंट। दादी या दादी की पुत्री बुआ होती है। भाई ठीक है भाई, दादा या दादी की पुत्री भाई कौन होती है? मेरी बुआ ही तो होती है, मतलब मेरे पिता की बहन। मेरे पिता की जो बहन है मैं उसको क्या बोलता हूं भाई? बुआ बोलता हूं, नहीं बोलता? बुआ कहता हूं ना। अच्छा, सिस्टर ऑफ फादर इन कॉल्ड आंट। पिता की बहन बुआ होती है। बात ठीक है मेरे भाइयों। सिस्टर ऑफ मदर इन कॉल्ड आंट। मां की बहन मौसी होती है। ब्रदर ऑफ मदर इज कॉल्ड मैटरनल अंकल। पिता की मां दादी होती है। मदर ऑफ फादर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर। पिता की मां दादी होती है। फादर ऑफ फादर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर। पिता के पिता दादा होते हैं। मदर ऑफ मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर। मां की माता नानी होती है। फादर ऑफ ग्रैंड फादर इज कॉल्ड ग्रेट ग्रैंड फादर। दादा के पिता को पर दादा कहते हैं। मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज कॉल्ड ग्रेट ग्रैंड मदर। दादा की माता को पर दादी कहते हैं। ब्रदर ऑफ मदर
इज कॉल्ड मैटरल अंकल, माता का भाई मामा होता है। माता का जो भाई होता है मेरे भाइयों, कौन होता है? वो मामा होता है। ब्रदर ऑफ फादर इज कॉल्ड पैटरल अंकल, पिता का भाई चाचा होता है। हस्बैंड फादर इज कॉल्ड फादर इन लॉ, पिता के पति को क्या बोलते मेरे भाइयों? ससुर होता है। सन ऑफ मदर इन लॉ इज कॉल्ड हस्बैंड, सास का पुत्र या तो पति होता है या देवर होता है। और ब्रदर ओनली चाइल्ड ऑफ एक्स ग्रैंड मदर इज कॉल्ड, एक्स की दादा का इकलौता बच्चा एक्स का पिता होगा या माता। ओनली इसको मेरे भाइयों ओनली है ये, ओनली सन ऑफ हिज फादर मीन सेल्फ स्वयं, मतलब अन्य पिता का अपने पिता का इकलौता पुत्र यानी वह यानी मैं स्वयं। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, यहां से बिल्कुल एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप यहां से समझाऊंगा और क्वेश्चन की तरफ आपको लेके हुए चलूंगा। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, यहां पर कुछ एक बिल्कुल दो तीन चीज बेसिक है, तीन चीज बेसिक है। यदि वो चीज आपकी समझ में आ गई तो आपसे ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है दोस्तों। अब ध्यान देना, जनरली कितनी पीढ़ी होती है, कितनी जनरेशन होती है मेरे भाइयों? तीन जनरेशन होती है। जो मेनली काम हम करते हैं वो तीन जनरेशन होती है, उससे बहुत सारी जनरेशन अपडेट तो हो जाते हैं लेकिन जो मैन होती है मेरे भाइयों कितनी जनरेशन होती है? वो तीन जनरेशन होती है। अब ध्यान देना कौन कौन सी भाई, यहां पर मैं कौन हूं भाई? यहां पर मैं स्वयं हूं, यहां पर क्या हुआ मेरे भाइयों? सेल्फ, स्वयं हूं। केवल ब्लड रिलेशन एक ही चीज चाहता है, गिव रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट रेस्पेक्ट। आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो प्राप्त रेस्पेक्ट करोगे, हमेशा किसी को सम्मान दो तो सम्मान के साथ बुलवाओगे, केवल ब्लड रिलेशन यही चाहता है भाई। जो रेस्पेक्ट के योग है उसे आप रेस्पेक्ट दो, जो रेस्पेक्ट के योग नहीं है उसको मत रेस्पेक्ट दो। आप कहने का मतलब, आपके पिता चाचा मामा फूफा आपसे बड़े हैं तो आप उनसे बड़े से रेस्पेक्ट से दोगे, आप उनसे खुद से बड़े को रखोगे, लेकिन आपके भतीजा भांजी तो ये क्या रहेंगे? आपसे नीचे रहेंगे। बात ठीक है ना भाई? स्वयं हो यहां पर तो रेस्पेक्ट, मेरे पिता मुझसे ऊपर ही तो रहेंगे ना, मेरी मां मुझसे ऊपर ही तो रहेगी, मेरे पिताजी के पिताजी मेरे उससे ऊपर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो केवल क्या चीज होती है मेरे भाइयों? आपको रेस्पेक्ट देनी है और रेस्पेक्ट लेनी है, केवल एक ही चीज याद रखनी है। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? ब्लड रिलेशन में केवल एक ही चीज याद रखनी है कि आपको रेस्पेक्ट देनी है, रेस्पेक्ट लेनी है। तो यहां पर आप स्वयं हो तो आपके पिताजी आपसे ऊपर रहेंगे नहीं रहेंगे मेरे भाइयों? फादर, फादर मदर ये आपसे ऊपर रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुझे एक सी बताओ। और नीचे कौन कौन रहेगा मेरे भाइयों? आपका नीस भतीजी या फिर नेफ्यू। मतलब ये क्या होता है, भतीजी या भतीजा, ठीक है मेरे भाइयों? तो ये स्वयं हो आप, यहां पर स्वयं हो तो जो आपसे रेस्पेक्ट का मतलब जो आपसे ऊपर है आप उनको ऊपर रखोगे, जो आपसे नीचे है आप उनको नीचे रखोगे। तो यहां पर स्वयं हो तो फादर और मदर, तो जो आप इनसे ऊपर रखोगे, और नेस मतलब भतीजी या भतीजा आपसे क्या रहेगा मेरे भाइयों? नीचे रहेगा। ये बात क्लियर हुई? तो एक चीज, सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है मेरे भाइयों, जनरेशन कैसे करोगे? देखो ध्यान देना भाई, ये क्या है? एक सिंगल लाइन का मतलब आप अभी सिंगल हो। जब कभी भी सिंगल जनरेशन की बात चले, जब कभी भी सिंगल जनरेशन की बात चले तो वहां पर आपको कितनी लाइन लगानी? केवल एक लाइन खींचनी है। क्यों? क्योंकि आपको उससे ये पता चलता चलेगा कि मेरा आखिरकार इससे रिलेशन क्या है। तो जो सिंगल का मतलब कि वो एक ही श्रेणी की बात है। जैसे ही आप डबल कर दोगे तो डबल का मतलब अब क्या हो जाओगे? अब डबल हो जाओगे। डबल कब होते हैं? जब आपकी शादी हो जाती है, मतलब हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ। बात क्लियर है मेरे भाइयों? तो सिंगल का मतलब जो सिंगल लाइन है, आप वहां क्या हो मेरे भाइयों? अकेले हो। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है
तो तुरंत क्या हो जाते हो मेरे भाइयों, तुरंत बड़े हो जाते हो। मतलब डबल लाइन का मतलब हस्बैंड वाइफ। बात क्लियर हुई मेरे भाइयों? मेल के लिए क्या होता है मेरे भाइयों, आदमी के लिए, मेल के लिए आप प्लस मानोगे और फीमेल के लिए क्या मानोगे मेरे भाइयों, माइनस मांगोगे। जहां मेल होगा वहां आदमी का नाम होगा, उसके ऊपर आप क्या कर दोगे मेरे भाइयों, प्लस का साइन लगा दोगे, और जो फीमेल होगी उसके लिए किसका साइन लगाओगे मेरे भाइयों, माइनस का साइन लगाओगे। बात क्लियर है आपके यहां तक या नहीं मेरे भाइयों, बताइए। क्यों? क्योंकि यार आदमी तो नहीं लिखोगे ना, हर बार जनरेशन नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब जहां प्लस लगा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो आदमी का रिलेशन है, वो मैन का रिलेशन है। जैसे ही माइनस लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो रिलेशन किसका है मेरे भाइयों, फीमेल का है, वो किसका है मेरे भाइयों, औरत का है। बात क्लियर हुई यहां तक? तो मैंने केवल एक ही चीज, तीन चीज बताई। पहले जनरेशन, स्वयं का मतलब आप हो, और स्वयं में कौन कौन आता है मेरे भाइयों, ब्रदर और सिस्टर। स्वयं में कौन आ जाता है मेरे भाइयों, ब्रदर और सिस्टर। आप जो आपसे रेस्पेक्ट के योग है आप उनको कहां रखोगे भाई, अपने ऊपर रखोगे, अपने ऊपर मतलब फादर मदर। आप अपने से नीचे किसको रखोगे मेरे भाइयों, नेफ्यू नीस, इसको रखोगे। अब उसके बाद मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस मेरे भाइयों। उसके बाद मैंने बोला सिंगल जनरेशन मतलब आप सिंगल हो, और डबल जैसे ही लाइन होगी, डबल का मतलब हस्बैंड और वाइफ। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई मेरे भाइयों? ठीक है, अब सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। केवल एक ही चीज आकर याद रखनी है आपको कि क्या करना है मेरे भाइयों, रेस्पेक्ट देनी है, रेस्पेक्ट लेनी है। अब ध्यान देना, आप यहां से इधर ध्यान दो। देखो ध्यान देना, पी क्यू का भाई है, भाई कौन है मेरे भाई, पी किसका, क्यू का। तो ये क्या है मेरे भाइयों, पी भाई है किसका, क्यू का। तो पी पर मैंने प्लस लगा दिया, कहीं लगाया मेरे भाइयों, पी भाई हो गया ना किसका, क्यू का। बात क्लियर है यहां तक? तो भाई पी क्यू का भाई है, भाई हो गया। आर क्यू की मां है, कौन भाई, आर किसकी मां है मेरे भाइयों, क्यू की मां है। तो आर जो है क्यू से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए। तो भाई आर क्यू की मां है, तो आर मेरे भाई क्या हो गया, माइनस हो गया। भाई आर क्यू की मां है तो भाई माइनस, भाई आर के ऊपर ही तो भाई क्यू से ऊपर जाएगी, कौन आर, क्योंकि मां है। उसके बाद एस आर का पिता है, कौन एस, किसका पिता है मेरे भाइयों, आर का पिता है। तो भाई एस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे भाइयों, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। अब उसके बाद क्या बोला, टी एस की मां है, टी एस की मां है, कौन टी, किसकी मां है, एस की। तो टी मां हो गई कि मतलब माइनस, टी मां हुई कि नहीं हुई। अब क्या कह रहा है कि यह बताइए पी का टी से क्या रिलेशन है। तो देखो इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, लेकिन जो ये शब्द का है ना, आप इसको मान के चलो मेरे भाइयों, क्या कौन, क्या मान के चलो मेरे भाइयों, कौन। तो क्या हुआ, पी कौन है टी से, तो रिलेशन किसका बताना है मेरे भाइयों, रिलेशन किसका बताना है, ये चीज बताइए आप। तो भाई पी का किससे, इसका रिलेशन बताना किससे, टी से, यही बताना है कि नहीं बताना है, बताइए, यही बताना है कि नहीं बताना है। तो इसका मतलब ध्यान देना, ये जनरेशन एक दो चौथी जनरेशन की बात हो रही है। देखो अब ये क्या है, प्लस है, तो एक चीज से ये पता चल गया कि जो रिलेशन आएगा वो किस में आएगा मेरे भाइयों, मेल में आएगा, फीमेल तो हो ही नहीं सकता है। इतनी बात तो यहां से आपकी क्लियर हो रही होगी, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाइयों, मेल का आएगा, फीमेल तो नहीं होगा। बात क्लियर है ना मेरे भाइयों, तो ध्यान देना। ये क्या भाई, दादी हो नहीं सकता, पोती हो नहीं सकता। अब देखो या तो पोता या पड़पोता, तो ध्यान देना भाई, एक चीज ध्यान दो, ये इसका क्या है, बेटा, बेटा का बेटा नाती मतलब पोता, और ये क्या हो जाएगा इसका, पड़पोता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे भाइयों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा से ध्यान दे लेना, पी क्यू का भाई है, भाई कौन है मेरे भाइयों, पी भाई है ना, किसका, क्यू का, भाई किसका, क्यू का। तो ये पी भाई हो गया क्यू का। उसके बाद क्या बोला, आर क्यू की मां है, कौन आर, किसकी मां है मेरे भाइयों, क्यू की। तो क्यू की मां कौन होगी मेरे भाइयों, आर।
उसके बाद क्या बोला, एस आर का पिता है। आर का पिता कौन है मेरे भाइयों? एस, ठीक है मेरे भाइयों। फिर क्या बोलता है, टी एस की मां है, तो टी एस की मां होगी भाई टी ऊपर गया, तो क्या कहता है यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, किसका, पी का, तो पी का मतलब का मतलब कौन, तो मेरे भाई पी का टी से, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, पड़ पोता। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई मेरे भाई यहां तक सभी के, बताइए बात क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना अब क्या कहता है आपका क्वेश्चन, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए बी की पुत्री है, कौन, ए किसकी पुत्री है मेरे भाइयों, बी की पुत्री है भाई, ए पुत्री है ना, किसकी, बी की पुत्री है, तो ए बी से नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ध्यान देना, ए पुत्री है मेरे भाई किसकी, बी की, तो ध्यान देना इधर, तो ये ए पुत्री हुई मेरे भाइयों किसकी, बी की, तो ए बी की पुत्री है, तो भाई ये पुत्री हो गई ए किसकी, बी की, बी सी की मां है, बी सी की मां है भाई, बी मां है ना किसकी, सी की, तो भाई ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी बी, बताइए ना यार, कोई डाउट्स, कोई क्लियर, अच्छा तो बी सी की मां है, कौन भाई, बी सी की मां है, तो भाई ये बी ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, सी नीचे रहेगा, क्यों, बी सी की मां है मेरे भाइयों, बी सी की मां है, कौन मां है मेरे भाइयों, बी। फिर क्या बोलता है, डी सी का भाई है, कौन, डी, डी किसका भाई है मेरे भाइयों, सी का भाई है, तो ये एक ही जनरेशन पे तो चलेगा सिंगल लाइन, क्यों, क्योंकि भाई और बहन हमेशा आपके सिंगल ही जनरेशन पे आते हैं, काउंट होते हैं, चाहे एज का फर्क बेशक होता है लेकिन जो काउंट होगा मेरे भाइयों वो सिंगल जनरेशन पे ही होगा। तो डी क्या हो गया मेरे भाइयों, डी सी का भाई है, यह बताइए डी का मतलब कौन, ए से क्या संबंध है, इस डी का ए से क्या संबंध है भाई, किसका, डी का, इस डी का ए से क्या संबंध है, क्या है, क्या मेरे भाइयों, भाई होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्या बोला, ए बी की पुत्री है भाई, ए बी की पुत्री हो गई, कोई डाउट है यहां तक, नहीं ना, क्योंकि पुत्री है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, बी सी की मां है, तो भाई बी, बी सी की मां है, कौन, बी है ना, तो सी की मां भाई कौन होगी, बी होगी, अब ध्यान देना, डी सी का भाई है, ये भाई हुआ किसका, सी का, कौन, डी, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, किसका, डी का, इस डी का ए से, तो मेरे भाई क्या है, भाई, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, क्योंकि सिंगल जनरेशन की बात है, आगे ध्यान देना, फिर आगे ध्यान दो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कहता है बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, भाई बी का भाई कौन है, ए, इस बी का भाई कौन है मेरे भाइयों, ए है, इस बी का भाई कौन है मेरे भाइयों, ए है, बात क्लियर है यहां तक भाई, बी का भाई है ए, तो बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, अब भाई इस डी और सी का अभी कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, जब रिलेशन नहीं दे रखा है तो डाटा कहीं ना कहीं तो यूज जरूर होना है, तो इसलिए आप इसको क्या रखो, साइड में रख लीजिएगा, कौन, डी का पिता है सी, तो भाई डी का पिता कौन है मेरे भाइयों, सी है, बात क्लियर है यहां तक, डी का पिता कौन है मेरे भाइयों, सी है, यह डाटा अभी मैंने थोड़ा मेरे पास, क्योंकि अभी इसको यहां पर सेट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने इस डाटा को थोड़ा साइड से लिख लिया, अभी ध्यान देना, बी का भाई है ए, भाई इस बी का भाई कौन है, ए, तो ए पर मैंने प्लस रख दिया मेरे भाइयों, अब ध्यान देना, डी का पिता है सी, भाई डी का पिता है सी, तो भाई डी का पिता कौन है मेरे भाइयों, सी है, डी का पिता है ना सी, तो मैंने प्लस लिख दिया ऊपर, ये थोड़ा डाटा इधर रख दिया, बी की माता है ई, जो बी की मां है, जो बी की माता है ई, तो इस बी की जो माता है मेरे भाइयों कौन है, वो ई है, कौन है मेरे भाइयों, ई है, बोला हुआ है ना, बी की माता ई है, तो भाई ई ऊपर रहेगा किससे, बी से, क्योंकि माता है, अब ध्यान देना, ए और डी भाई है, ये ए और डी कौन है मेरे भाइयों, भाई है, ए और डी कौन है मेरे भाइयों, भाई है, तो ये ए और डी कौन है मेरे भाइयों, भाई है, और डी का पिता कौन था मेरे भाइयों, सी, और ये प्लस माइनस मतलब ये पक्का है, कौन रहे होंगे, ये हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, ये कौन रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, तो कहता है ई का
का मतलब कौन? हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देना, का को कौन समझ लो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो इंग्लिश वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी कि मतलब ई का सी से क्या संबंध है भाई, ई का किससे मेरे भाइयों, सी से। तो बताइए इस सी से ई का क्या संबंध है, कौन है मेरे भाइयों, पत्नी है कि नहीं, कौन है मेरे भाइयों, पत्नी, कौन है, वाइफ। बात क्लियर हुई, बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों, ध्यान देना द्वारा से। बी का भाई है ए, इस बी का भाई था कौन मेरे भाइयों, ए। फिर क्या बोलता है, डी का पिता है सी, इस डी का जो पिता है मेरे भाइयों कौन है, वो सी है। बी की माता ई है, इस बी की माता जो कौन है मेरे भाइयों, ई है, ठीक है। ए और डी भाई है, ये ए और डी कौन है मेरे भाइयों, भाई है। क्या बोलता है तो ए, और कहता है ई का सी से क्या संबंध है, लेकिन ये डाटा पहले से था तो मैंने क्या रख दिया, इसको ऊपर रख दिया, अब सी से क्या संबंध है ई का मेरे भाइयों, कौन है, पत्नी है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, क्या कह रहा है, ध्यान देना। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, कौन, ई। इस बी की जो बहन है वो कौन है मेरे भाइयों, वो ई है, मतलब माइनस, क्योंकि फीमेल जनरेशन है। बात क्लियर है, ई बी की बहन है, कौन भाई, ई किसकी बहन है मेरे भाइयों, बी की। तो भाई ध्यान देना, ई बी की बहन है भाई, ठीक है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, अभी मेरे पास डाटा नहीं है तो इसको यहां लिख देता हूं, ए सी का पिता है, बात ठीक है मेरे भाइयों, मैंने यहां पर रख लिया ये, ए सी का पिता है। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, कौन भाई, बी। ये सी का पुत्र है, कौन मेरे भाइयों, बी का, बी सी का पुत्र है, तो ये भाई सी का पुत्र है, बी, यही बोला है ना भाई, बी सी का पुत्र है, तो बी नीचे रहा है ना सी से, क्योंकि बी सी का पुत्र है, बट ठीक है। तब क्या कहता है मेरे भाइयों, और क्या कह रहा है, ये सी से ऊपर कौन है मेरे भाइयों, ए, प्लस कहता है ए का ई से क्या रिलेशन है, ई का ए से क्या रिलेशन है, तो ध्यान देना मेरे भाइयों, ये इसका भाई है, ये इसकी मां का पिता कौन होता है मेरे भाइयों, क्या होता है, पिता का पिता कौन होता है मेरे भाइयों, कौन हो गया, दादा, ऑप्शन ए इज करेक्ट भाई, ध्यान देना, ये दादा हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान देना, ई बी की बहन है, ये ई बी की बहन हुई भाई, माइनस इस पर, ए सी का पिता है, जब ही मेरे पास डाटा अभी था नहीं, किसका, ए और सी का मेरे पास कोई भी डाटा था नहीं, तो मैंने क्या किया मेरे भाइयों, इसको थोड़ा एक साइड से लिख लिया, क्यों, ए सी का पिता है, कौन, ए, ए सी का पिता है, बोला, बी सी का पुत्र है, कौन मेरे भाइयों, बी सी का पुत्र है, तो भाई बी पुत्र किसका, सी का, तो बी नीचे हो गया। अब क्या बोलता है, ए का, अब भाई ये रिलेशन था, सी से ऊपर रख दिया, बोला तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का किससे, ई से, तो मेरे भाई ये भाई है, ये पिता का पिता कौन होता है, मेरा दादा होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है आपसे ए बी का भाई है, कौन, ए, कौन मेरे भाई, ए, ए बी का भाई है, ठीक है भाई, ए बी का भाई है, तो ए भाई हो गया किसका मेरे भाई हो, बी का भाई, बी का भाई हो गया, कौन, ए, ए भाई हो गया, ए बी का भाई है। सी ए की मां है, सी, सी ए की मां है, सी मां हो गई किसकी, ए की। डी सी का पिता है, कौन, डी, डी सी का पिता है, ठीक है भाई। ई बी की पुत्री है, कौन, ई, ई, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो यह बताइए ए से, ए से डी का रिलेशन, ए से डी का, ए से डी का रिलेशन, ए से डी का रिलेशन कौन होगा भाई, ये ए सी की कौन है, मां, और मां का ये कौन है, पिता, तो मेरा कौन लगता है, नाना लगता है कि नहीं लगता मेरे भाइयों, बताइए कौन लगता है मेरे भाई, नाना लगता है कि नहीं लगता, बताइए कौन लगता है मेरे भाइयों, नाना लगता है कि नहीं लगता है, नाना है यहां पर कहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब इसको नाना भी हम
वो लेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्वारा से ध्यान देना। ए बी का भाई है, ए भाई होगा किसका मेरे भाई हो, बी का। बोला सी ए की मां है, कौन सी ए की मां है, तो ए की मां कौन होगी मेरे भाई हो, सी। बोला डी सी का पिता है, कौन डी सी का पिता है, कौन भाई डी, डी सी का पिता हो गया। ई बी का पुत्र है भाई, कौन ई, ई किसका पुत्र है मेरे भाइयों, बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र, सॉरी प्लस हो गया, पुत्र है प्लस आएगा यहां। तो यह बताइए ए से, ए से डी का रिलेशन, तो ए से डी का रिलेशन क्या होगा, ये इसकी ए की माँ, सी कौन है मां, और ये मां का कौन है पिता, तो मेरा कौन होता है मेरे भाइयों, नाना, ग्रेट ग्रैंडफादर। बात ठीक है, बात समझ में आई, कोई डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। ए डी का भाई है, कौन ए, ए ए डी का भाई है भाई, डी का भाई कौन है मेरे भाइयों, ए, बात क्लियर है, ए डी का भाई है, कौन भाई ए, किसका भाई है डी का भाई, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, कौन डी, डी बी का पिता है, बात ठीक है मेरे भाइयों, डी बी का पिता है भाई, डी बी का पिता होगा, बी और सी बहने हैं, ये बी और सी कौन है मेरे भाइयों, बहने हैं, तो कहता है ए का सी से रिलेशन, ए का, ए का, ए का इस सी से रिलेशन क्या है, बताइए भाई कौन होगा, ये बहन है, अब ये कौन है भाई इसके पिता, अब ये कौन होगा भाई, तो कहता है ए का सी से रिलेशन क्या होगा, तो आप बताइए मेरे भाइयों क्या होगा, अंकल होगा कि नहीं होगा, चाचा होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो ध्यान देना भाई, ये देखो ध्यान देना दोबारा से, ए डी का भाई है, ए भाई होगा किसका, डी का, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, तो ये डी बी का पिता हो गया, बी और सी बहने हैं, तो बी और सी ये बहने हैं, तो कहता ए का भाई, जैसे बहन बहन है, अब बहन का मतलब मेरी ये बहन है, इसका ये कौन है पिता, और ये पिता का कौन है भाई, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, चाचा नहीं बोलता, मेरी बहन है, मेरी बहन के पिता मतलब मेरे पिता भी हुए, अब मैं सपोज दर दो बहन है, मैं और मेरी दूसरी बहन, तो जो मेरी दूसरी बहन है उनके पिताजी मतलब मैं भी पिता बोलूंगा उसको, अब उसका जो क्या होगा, जो उसके मतलब मेरे पिता के जो भाई होंगे मैं उनको चाचा ही तो बोलती हूं भाई, मतलब चाचा बोलने का मतलब उसको चाचा ही तो बोलती है, ठीक है भाई, चाचा ही तो बोलते नहीं बोलते, बताइए मेरे भाइयों, तो ध्यान देना। तो क्या हुआ, ए डी का भाई है, तो ए डी का भाई हुआ, क्या बोला डी बी का पिता है, तो भाई डी किसका पिता है मेरे भाइयों, बी का, और बोला बी और सी बहने हैं, तो बी और सी बहने हैं, तो क्या कहता भाई, ए का सी से, ए का सी से क्या रिलेशन होगा मेरे भाइयों, चाचा होगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी सी बी की पत्नी है, कौन भाई, सी, सी बी की पत्नी है, तो ये पति रहा होगा, क्लियर है, और डबल लाइन क्योंकि हस्बैंड और वाइफ है, कौन है मेरे भाइयों, हस्बैंड और वाइफ के लिए कैसी लाइन होती है मेरे भाइयों, डबल लाइन होती है कि नहीं होती, बताइए, बोला था कि डबल हो जाएंगे, कौन, सी, सी बी की पत्नी है भाई, कौन सी, किसकी, बी की पत्नी है, बोला ई सी का बेटा है, कौन ई, ई सी का बेटा है, ई, ई सी का बेटा है, तो भाई ई नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ई, ई सी का बेटा है, कौन भाई, ई किसका, सी का बेटा है, तो ध्यान देना, सी बी की पत्नी है भाई, कौन सी, किसकी पत्नी है मेरे भाइयों, बी की पत्नी है, बात ठीक है, बोला ई सी का बेटा है, कौन भाई, ई किसका बेटा है, सी का बेटा है, ए बी का भाई है, कौन, ए बी का भाई है, ए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और डी का पिता है, ये देखो ध्यान देना, ये शब्द आ गया मेरे भाइयों, और ये और क्या होता है मेरे भाइयों, ये और होता है दूर वाले के लिए, और जो या जिसका होता है मेरे भाइयों थोड़ा पास वाले के लिए, जैसे ध्यान देना, ये मैं ए बी बोलू, ए बी और सी के, और सी के, तो और सी के मतलब ये ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए के, और यही मैं शब्द बोलू, ए बी जो सी के
दाई ओर है। तो ये सी किसके लिए है? बी के लिए। जो या जिसका हो, ये एंड और, ध्यान देना, ए बी और सी के दाई ओर है। तो सी के दाई ओर कौन है मेरे भाइयों? ए है। सी के दाई ओर कौन है मेरे भाइयों? ए है, क्योंकि और एंड और की बात हो रही है। जो या जिसका मतलब हो, जो या जिसका मतलब हो, किसकी बात हो रही है? ध्यान देना, तो जो सी के, तो जो का मतलब जो या जिसके मेरे भाइयों, किसकी बात हो रही है? थोड़ा पास वाले के लिए, पास कौन है मेरे भाइयों? बी। तो सी का नजदीक कौन है मेरे भाइयों? बी। बात समझ में आई? तो ध्यान देना आगे। बोला और सी के और डी का पिता है, और मतलब, और थोड़ा इसके दूर कौन है? तो ए इसके लिए किसके आ रहा मेरे भाइयों? ए के लिए। तो डी का पिता कौन है मेरे भाइयों? डी का पिता है, क्या बोला? तो और डी का पिता ए है, डी का पिता ए है, डी का पिता, डी का, जो डी का पिता है मेरे भाइयों कौन है? वो ए है। तो ये डी का पिता हो गया मेरे भाइयों ए। बोला ई का डी से क्या रिलेशन है? किसका? ई का, ई का मतलब, का मतलब कौन? ई का डी, डी से, डी के साथ क्या संबंध है? ई का डी के साथ, डी के साथ, इस डी के साथ ई का क्या संबंध है? ये पति पत्नी रहे होंगे, नहीं पति पत्नी रहे मेरे भाइयों, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? ध्यान देना, ये इसका पिता है। अब ये पिता या बहन के कुछ भी रहे, अब ये इसका बेटा मेरा कौन होगा? चचेरा भाई तो होगा, चचेरा भाई होगा कि नहीं होगा? दोबारा से ध्यान देना, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, तो भाई ये माइनस सी हो गई, तो ये हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, तो बी प्लस हो गया, डबल लाइन। बोला ई सी का बेटा है, भाई ये ई जो है वो सी का बेटा है, कौन? ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा हो गया। बोला ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और डी का पिता है, और डी का पिता कौन है मेरे भाइयों? डी का पिता, और मतलब दूर वाले के लिए कौन? ए। डी का पिता कौन है मेरे भाइयों? ए। बोला ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई का, ई का डी के साथ, तो क्या होगा मेरे भाइयों? चचेरा भाई होगा। समझ में आ गया? आठवें क्वेश्चन की तरफ, आठवें क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाइयों, ध्यान देना। ए बी और सी, ए बी और सी का पिता है, नहीं, ए बी, ए बी सी का पिता है, ए और बी का, ए इज फादर ऑफ बी एंड सी, ए बी और सी का पिता है, ए बी और सी का भाई कौन? ए। ए बी और सी का पिता है कौन? ए। ए जो है बी और सी का पिता है, तो भाई ये ए जो है किस किस का पिता है? बी और सी का पिता है। बात सही का भाई? क्योंकि ए पिता है किस किस का? बी और सी का। अभी ये नहीं पता है कि बी पुत्र है पुत्री है, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक डाटा मुझे जरूर पता है मेरे भाइयों, क्या? कि जो ए है ना वो क्या है मेरे भाइयों? बी और सी का पिता है। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? बात क्लियर है यहां तक? भाई जो ए है, ए बी और सी का पिता है, बी ए का बेटा है, भाई क्लियर कर दिया, बी ए का बेटा है, बात यहां पर क्लियर कर दिया। जो बी है वो क्या है मेरे भाइयों? वो ए का बेटा है, कौन? बी। बात क्लियर कर चुका है। बोला लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। जब भैया सी ए का, जब सी ए वाला ए का बेटा नहीं है तो कौन होगा? ये कॉमन सी बात है मेरे भाइयों, पुत्री होगी कि नहीं होगी? कॉमन सी बात है यार। मैं ये बोलूं कि ये मेरा भाई नहीं है, मतलब ये दो ही, मतलब इसने बोला कि ये जो बी और सी का पिता कौन है? ए है। तो मतलब ये तो हुआ कि ए की संतान बी और सी है। तो ए ने बोला कि बी मेरा पिता है, और फिर क्या बोला? सी, सी मेरा बेटा नहीं है, सी मेरा बेटा नहीं है, कौन है फिर मेरे भाई? बेटा नहीं है, तो ये बेटी है। तो फिर क्या बोलता है? सी का ए के साथ क्या संबंध है? सी का ए के साथ क्या संबंध है? सी का ए के साथ क्या संबंध है? किसका? सी का। तो भाई क्या संबंध है? पुत्री है कि नहीं मेरे भाइयों? पुत्री है कि नहीं बताइए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट मेरे भाइयों। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन मेरे भाइयों? कहता है ए बी का पिता है, ए, ए बी का पिता है, भाई ठीक है, भाई ऊपर जाएगा ए किससे? बी से।
भाई ए ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बी से, तो क्या बोला, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, कौन भाई सी किसकी, बी की पुत्री है, बात ठीक है मेरे भाइयों, ए बी का पिता है भाई, कौन ए, बी का पिता कौन है मेरे भाइयों, ए, सी बी की पुत्री है भाई, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, कौन डी बी का भाई है, कौन डी बी का भाई है, बात क्लियर है यहां तक, ई ए का पुत्र है भाई, ई किसका, ए का पुत्र है, तो ये ई ई ए का पुत्र हो गया मेरे भाइयों, बात ठीक है मेरे भाइयों, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और इस ई के बीच में क्या संबंध है मेरे भाइयों, आप ही बताओ क्या होगा, क्या भाई और बहन हो सकता है, नहीं, एक ही जनरेशन पर नहीं हो सकता, ध्यान लेना, क्या चचेरा भाई बहन, नहीं हो सकता, भतीजा भतीजी भतीजी और चाचा, थोड़ा देखते, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज करेक्ट, भतीजी और चाचा, क्यों, क्योंकि ये इसकी भाई, भाई ये इसका भाई कि बेटी मेरी कौन होती है, भतीजी, और मुझको क्या बोलेगी, चाचा बोलेगी कि नहीं बोलेगी, बताइए मुझे कौन बोलेगी भाई, चाचा बोलेगी, मेरे भाई की बेटी मेरी कौन होती है, भतीजी, और वो मुझे क्या बोलेगी, चाचा बोलेगी, तो भतीजी और चाचा, द्वारा ध्यान देना, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, ये जो सी है वो किसकी पुत्री है मेरे भाई, बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, बात ठीक है मेरे भाई, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है भाई, ई भी नीचे आ गया क्योंकि ए के नीचे, क्या बोला, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, तो सी और ई के बीच में मेरे भाई जो रिलेशन होगा वो किसका होगा मेरे भाइयों, भतीजी और चाचा का, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, आता किसी को डाउट्स तो पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, क्या कह रहा है मेरे भाइयों क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो, कहता है एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, सी का चाचा लेखक भी है, भाई एक वो पुस्तक पढ़ता है, एक पुस्तक पढ़ता है और जो उसका लेखक देखता है ना वो कहता है मैं उस इंसान को जानता हूं, उस इंसान को मैं जानता हूं, तो क्या कहता है, सी का चाचा लेखक भी है, जो सी का चाचा है ना लेखक कौन है, वो बी है, तो भाई मैं चाचा किसको बोलता हूं, पिता के भाई को, तो सी का चाचा लेखक बी है, तो ये मेरे पिताजी होंगे और ये इसका कौन रहा होगा भाई, कौन बी, बात ठीक है, सी का चाचा लेखक बी है भाई, सी का चाचा मतलब मेरे पिता का भाई, उसी को तो चाचा बोलूंगा मेरे भाइयों, मेरे पिता मस्सी ऊपर रहेंगे उसका भाई, तो सी का चाचा लेखक भी है, सी का पिता का भाई मतलब मेरा चाचा हुआ, तो ए की पुत्री सी है, भैया ये पुत्री किसकी है मेरे भाइयों, ये हट हुआ यहां से, किसकी पुत्री है मेरे भाइयों, ये ए की पुत्री है, बात क्लियर हो गई, तो किस प्रकार ए से बी का संबंध है, ए से किसका, बी का, ए से बी का, ए से इस ए से बी का क्या संबंध है, एक ही जनरेशन पर है, तो मेरे भाइयों क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, भाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिंगल जनरेशन पर केवल भाई और बहन होती हैं, सिंगल जनरेशन पर केवल भाई और बहन होती हैं, द्वारा से ध्यान देना, एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, सी का चाचा लेखक भी है, सी का चाचा मतलब पिता का भाई, मतलब पिता का भाई, तो कौन होगा भाई, बी हो गया, अब क्या बोलता है, सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, तो भाई ये पुत्री होगी कि नहीं होगी सी, अब क्या कहता है ये, एक बी का ए से क्या संबंध है, किसका मेरे भाइयों, बी का किससे, ए से, इस बी का किससे मेरे भाइयों, ए से, तो क्या होगा, भाई होगा कि नहीं होगा, भाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिंगल ही जनरेशन पर है, तो मैं आगे चलता हूं, अब आगे कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज आप इसकी प्रैक्टिस करिए एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए ठीक से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।